नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने मॉनिटर को टीवी कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, एक ज़माना था कि हम मॉनिटर को टीवी बनाते थे तो हमें टीवी ट्यूनर लाने की ज़रूरत पड़ती थी और वो काफ़ी कॉस्टली होता था। लेकिन आज एक ऐसा केबल आया जिससे आप आराम से बहुत ही चीपेस्ट प्राइस में अपने मॉनिटर को टीवी बना सकते हैं। तो इसके लिए क्या क्या ज़रूरी है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो इसके लिए आपको एक ऐसा केबल चाहिए, ये केबल ऐसा है जिससे आप अपने मॉनिटर को आराम से टीवी बना सकते हैं। तो देखिए, इसमें आता है, एक साइड आता है HDMI पोर्ट आता है और दूसरी साइड आता है VGA पोर्ट। तो ये केबल से आप अपने मॉनिटर को आसानी से टीवी बना सकते हैं। दोस्तों, ये केबल नया शायद आपके मार्केट में नहीं मिल रहा है, तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आप वहाँ से खरीद सकते हैं। और आप अपने मार्केट में कंप्यूटर शॉप पे तपास करेंगे तो भी ये केबल मिल जाएगा। तो इसके लिए अब मॉनिटर को टीवी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, तो एक केबल चाहिए और एक ऐसा VGA मेल केबल चाहिए जिससे हम मॉनिटर में लगाकर टीवी चला सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। मेरा नाम है भरत और आप देख रहे हैं DTF टिप्स यूट्यूब चैनल। माय यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नाउ। दोस्तों, मॉनिटर को टीवी बनाने के लिए सबसे पहले तो आपके पास एक मॉनिटर होना चाहिए, ऐसा मॉनिटर LCD होना चाहिए, तभी आप बना सकते हैं। अगर आपके पास डब्बा मॉनिटर हो जो पुराने ज़माने में आता था, तो इसमें ये केबल वर्क नहीं करता, इसलिए आप ये केबल खरीदो तो ऐसा मॉनिटर होना चाहिए LED। तो इसके पीछे देखेंगे तो इसमें आपको एक पोर्ट मिलेगा, VGA पोर्ट मिलता है। देखिए, ऐसा VGA पोर्ट होता है, तो इसमें आपको VGA केबल डाल देना है। आपके घर पे होगा या PC होगा तो वो केबल तो आपके घर पे ही होगा ही, ये केबल आपको डाल देना है, फिर यहाँ से टाइट कर देना है। फिर हमें मॉनिटर में वापस घुमा देना है। अब हमें कुछ करना नहीं, और इस साइड भी एक मेल केबल होगा VGA और इसमें फीमेल होगा, तो वो केबल हमें यहाँ कनेक्ट कर देना है इस पोर्ट में। और ये बचा केबल HDMI, वो हमें नॉर्मली HDMI बॉक्स में, जो बॉक्स होता है, इसमें HDMI पोर्ट में डाल देना है। इतना सिंपल प्रोसेस है। तो देखिए, ये सॉलिड का 6141 है, तो इसमें HDMI केबल है, देखिए HDMI आउटपुट, तो इसमें हमें ये केबल डाल देना है। अब हमारा सेटअप बॉक्स है वो डायरेक्ट मॉनिटर में कनेक्ट हो जाएगा। अब हम मॉनिटर को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हमने HDMI टू VGA केबल से मॉनिटर में टीवी चला दी। ऐसे आप आराम से टीवी चला सकते हैं। और अब इस केबल के मैं कुछ टिप्स देता हूँ कि वो आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, इस केबल में आपको ऑडियो नहीं मिलेगा, देखिए यहाँ दिखा रहा हूँ। तो यहाँ लाइन आउट ऐसा ऑप्शन है, लेकिन यहाँ आप कोई भी डिवाइस कनेक्ट करेंगे तो इसमें ऑडियो नहीं मिलता, इसलिए ऑडियो के लिए आपको होम थिएटर या कोई भी डिवाइस चाहिए, आप यहाँ से ऑडियो ले सकते हैं। ओके, और बाकी कुछ सेट बॉक्स होते हैं, जैसे कि डिश टीवी, टाटा स्काई, वीडियोकॉन, इस बॉक्स में केबल सपोर्ट नहीं करता, तो इसके लिए आपको इसका रेजोल्यूशन सेट करना पड़ेगा, तभी ये सेट हो पाएगा। तो वो कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ इस बॉक्स में हो तो। देखिए दोस्तों, आप जाएंगे कोई भी बॉक्स हो, डिश टीवी, टाटा स्काई, ऐसा कोई भी बॉक्स हो, तो इसमें ऐसा ऑप्शन होगा वीडियो रेजोल्यूशन। तो आपको आपका बॉक्स हाई रेजोल्यूशन सपोर्ट नहीं करता तो लो रेजोल्यूशन सेट कीजिए, जैसे कि ये है, ये है, ये है, ऐसे कोई भी सिलेक्ट करके जाओ, आपका केबल सपोर्ट करने लगेगा।
दोस्तों, उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके रिलेटेड कोई आपको प्रॉब्लम हो रही तो हमें कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा।